बाकी कितना करेगा, बाकी देश भी नहीं छोड़ेगा, बन ही के रहेगा। नीतीश कुमार का दरवाजा खुल गया, वैसे आरजेडी में आएंगे नीतीश कुमार तो दरवाजा खुला रहेगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक ना। नीतीश कुमार बिल्कुल अब बीजेपी के साथ ही रहेगी। खेला नहीं होगा तो काम किसे होगा, ऐसे चलते रहेगा बिहार सरकार। की नीतीश कुमार पलटू राम है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। खेला नीतीश जी का आज पहली बार नहीं है, जो तेजस्वी का वोट बन रहा वो गिराने के लिए अगला पार्टी में गए हैं। कि मिलना फिर गुनाह है, अरे मिलने तो ना वो हवा बने ले है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेगा। हम बुढ़वे के बढ़िया लगे थे, नीतीश कुमार के हम बढ़िया लगे थे, तो इसमें कोई दो राय नहीं। नीतीश साहब मिले हैं, तेजस्वी यादव मिले हैं, तो कोई भारी बात इसमें नहीं है। आदमी तो सब एक ही है ना, जाति जनगणना से क्या होगा, उसका जाति ज्यादा है, ये है वो है, लंदभंद बोलने से कोई फायदा नहीं है, ठीक ना। कि जब नीतीश कुमार की कुर्सी हट जाएगा तो मुरट्ठा खोल देंगे, कहाँ खुला। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप और मैं हूँ खुशी उपाध्याय। आज तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से मिलने गए, जिसके बाद अब बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया। अब लोग ऐसे कयास लगा रहे हैं कि इस बार फिर नीतीश कुमार के साथ जब तेजस्वी यादव मिल गए तो फिर बिहार में एक बार फिर से खेला होने वाला है। इसी मुद्दे पर हम लोगों से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि क्या सच में बिहार की राजनीति में इस बार फिर से खेला होने वाला है, क्योंकि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे थे और फिर इस बार बिहार की राजनीति गर्मा चुकी है। तेजस्वी यादव आज नीतीश कुमार से मिलने गए, आपको क्या लगता है कि लोग तो बोल रहे हैं कि आज फिर से बिहार में राजनीति जो है उसमें खेला होने वाला है। सुनिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक ना। नीतीश कुमार बिल्कुल अब बीजेपी के साथ ही रहेगी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। पूरा उम्मीद है। वो जाति जनगणना ये जो बोल रहा है ना, जाति जनगणना ये सब मतलब कि सबको बांटने के लिए करना चाहता है। आदमी तो सब एक ही है ना, जाति जनगणना से क्या होगा, उसका जाति ज्यादा है, ये है वो है, लंदभंद बोलने से कोई फायदा नहीं है, ठीक ना। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से मिले गए, लोग बोल रहे हैं कि आज फिर से एक बार बिहार में खेला होने वाला, आपको क्या लगता है कि फिर से बिहार में राजनीति में बदलाव होने वाला है। होना फिर जरूरी है राजनीति में बदलाव, नीतीश कुमार तो सब जान रहे हैं, लोग पूरा बिहार का पूरा वर्ल्ड जान रहा है कि नीतीश कुमार पलटू राम है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, तो इसमें कोई दो राय नहीं। नीतीश साहब मिले हैं, तेजस्वी यादव मिले हैं, तो कोई भारी बात इसमें नहीं है। मिलना जुलना तो कामें लगा हुआ है, जाते हैं पलन में दोनों बैठ के जाते हैं, आते हैं तो दोनों बैठ के जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका नीतीश कुमार आरजेडी में दोनों में चचा भतीजा रिश्ता है, वो कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे वो अपना समझेंगे, लेकिन अनुमान लगाए तो सही बात है कि मिलना फिर गुनाह है। अरे मिलने तो ना वो हवा बने ले हैं कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेगा। अब चिराग पासवान गया मिलने तेजस्वी यादव से, जिस तरीके से 2022 में भी ऐसे ही हुआ था कि जब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से मिले गए 9 अगस्त को उनका सरकार बन गया। देखिए, यही बीजेपी वाला बोले थे सम्राट चौधरी कि जब नीतीश कुमार की कुर्सी हट जाएगा तो मुरट्ठा खोल देंगे, कहाँ खुला। अमित शाह बोले थे कि नीतीश कुमार का दरवाज़ा बंद है, तो कहाँ दरवाज़ा बंद रह गया। नीतीश कुमार का दरवाज़ा खुल गया, वैसे आरजेडी में आएंगे नीतीश कुमार तो दरवाज़ा खुला रहेगा, उनमें कोई दो राय है। जब आना चाहेंगे जब आएंगे, जब जाना चाहेंगे जब जा सकते हैं, उनमें कोई दो राय नहीं है। नीतीश कुमार नहीं सुधरेगा, खाली उधर से लोग नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से आज मिलने गए, आपको क्या लगता है कि बिहार में फिर से खेला होने वाला है, फिर से एकदम बिहार में राजनीति में बदलाव होने वाला है। वो तो खेला होबे करेगा, खेला नहीं होगा तो काम किसे होगा, ऐसे ही चलते रहेगा बिहार सरकार, ऐसे ही आज होकर में दरवाजे में घुसेगा। तो बाकी एक समय ऐसा आएगा कि तालवा चबिया के सुने थे कि रामविलास पासवान रखे हुए थे, याद है आपको, तो वही हाल इसको होगा आपकी चुनाव में कि ताला कोई या चाभी कोई रखेगा। ये आपकी चुनाव होने जा रहा है, देखिएगा बहुत बढ़िया से चुनाव होने जाएगा, भाई कितना करेगा, बाकी देश भी नहीं छोड़ेगा, बन ही के रहेगा, ये जानकारी ले लीजिए। जो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से मिलने गए और लोग ऐसे कयास लगा रहे हैं कि जैसे 2022 में उनकी सरकार बनी थी, अब फिर से इसके बाद अब सरकार बनने वाले बिहार की राजनीति में कुछ खेला होने वाला, आपको क्या लगा। खेला नीतीश जी का आज पहली बार नहीं है, जो तेजस्वी का वोट बन रहा वो गिराने के लिए अगला पार्टी में गए हैं, उस पार्टी में जाएंगे आलकर बथुआ बोलेंगे उसको वोट बैंक गिरेगा, यही लिए वो गए हैं आरजेडी में, और कुछ बात नहीं है। अगर ऐसा होता है तो आप सपोर्ट कीजिए, एकदम सपोर्ट करेंगे। बोल रहे थे कि जैसे तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से इस बार मिलने गए और लोग कैसे कयास लगा रहे कि फिर से बिहार की राजनीति में एक बार फिर से खेला होने वाला, आपको क्या लगता है। इस बार खेला बोला होने वाला बात ना है बहन जी,
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी 25 में बनेंगे वही रहेंगे, वही रहेंगे, आप उन्हीं को सपोर्ट, हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। तेजस्वी यादव को क्यों नहीं, क्योंकि इस बार तो तेजस्वी यादव का भी पूरा एकदम परचम लहराया है। हम बुढ़वे के हम बढ़िया लगे थे, नीतीश कुमार के हम बढ़िया लगे थे। तो आपने सुना कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से मिलने गए, लोग ऐसे कयास लगा रहे थे कि आज फिर से राजनीति में इस बार खेला होने वाला है, इस पे लोगों के आप विचार सुने। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया टॉप।